करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 16th of March 2024 सैटरडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। डॉलर इंडेक्स जो वीकली क्लोज दिया है 103.45 विथ एन वीकली गेन ऑफ 0.69% विसावी द प्रीवियस वीक क्लोज। सो यहाँ पे वीकली परस्पेक्टिव में डॉलर परस्पेक्टिव गेन्स देखा गया है। अगर हम इसको डेली चार्ट में देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा कंसोलिडेशन किया था आफ्टर लास्ट फ्राइडेज 8 मार्च का जो फ्राइडे था वहां पे एक डोजी कैंडल बनाया था आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग सेलिंग व्हिच इंडिकेट्स सम सॉर्ट ऑफ मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल जिसके कारण ये पुल बैक होने का था। सो जहां पे हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल था 103.5060 लेवल्स एंड करेंटली एक हफ्ते के बाद वो उसी लेवल के आसपास आके क्लोज दिया हुआ है 104.45 पे। सो यहाँ पे अगर हम डेली को देखेंगे वीकली चार्ट को देखेंगे तो जो मेजर आपका डाउन मूव था फ्रॉम अक्टूबर टिल दिसंबर उसके बाद यहाँ पे एक पुल बैक देखा गया फ्रॉम जनवरी टू योर फेब्रुवरी फेब्रुवरी मिड। So there was a pullback. Now there is again a selling. So यहाँ पे कहने का मतलब क्या है आपका कि आपका अक्टूबर से दिसंबर तक एक सेलिंग देखा गया, फिर जनवरी फरवरी मिड तक एक अपमूव आया रिट्रेसमेंट एंड उसके बाद फिर ये साउथवर्ड जर्नी कर रहा है। ये जो साउथवर्ड जर्नी कर रहा है कहाँ पे कर रहा है, आपका जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो है आपका 0.618% पे रिट्रेस लेके साउथवर्ड जर्नी चालू किया है। ठीक है, नाउ बैक टू बैक तीन नेगेटिव कैंडल के बाद वीकली नेगेटिव कैंडल के बाद ये करंट वीक में एक पॉजिटिव कैंडल दिया हुआ है। सो ये प्रीवियस 3 वीक्स का जो माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी था उसको डिफेंड किया है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में अभी नेक्स्ट वीक यानी मंडे ऑनवर्ड्स अगेन एक नेगेटिव कैंडल आते हैं समथिंग लाइक दिस जो आपका करंट वीक का जो बुलिशनेस है पूरा का पूरा एनगल्फ कर दे। इन सच ए केस आपका इन सच ए केस डॉलर और भी नेगेटिव होगा। दिस इज वन पर्सपेक्टिव। इस पर्सपेक्टिव के अलावा और क्या हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकते हैं और फर्दर बेटर मींस माइन्यूट डिटेल्स देखने के लिए हम यहाँ पे देखना चाहेंगे जो सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड है यहाँ पे ये डैमेज ऊपर की तरफ नहीं करना चाहिए यानी मंडे ऑनवर्ड्स जो डेली क्लोज है इसके ऊपर देना नहीं चाहिए अगर इसको एक बढ़िया सा डाउन मूव में आना है। तो क्या आना है आपका यहाँ पे इस टाइप का एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर करना है तो दिस इज जस्ट ए एजम्पशन और द प्रोबेबिलिटी कि क्या इस टाइप का होगा। सो पहला है सेंटर बैंड को मींस डैमेज नहीं करना है मींस इसके ऊपर क्लोज नहीं देना है एंड वीकली पर्सपेक्टिव में इसके नीचे एक नेगेटिव कैंडल जो करंट बुलिश कैंडल को एनगल्फ कर जाए। अगर ऐसा होता है तो एक धमाकेदार डाउन मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया एक पर्सपेक्टिव। सेकंड पर्सपेक्टिव, अगर ये सेंटर बैंड के ऊपर जाके सस्टेन कर जाते हैं तो एक कंसोलिडेशन जोन है ऊपर की तरफ आपका 104.30 एंड नीचे की तरफ आपका है 103.50। सो 103.50 से 104.30 के बीच में एक कंसोलिडेशन जोन है। कंसोलिडेशन जोन यानी अगर प्राइस सेंटर बैंड डेली पर्सपेक्टिव में सेंटर बैंड के ऊपर सस्टेन करते हैं तो ये फिर दोबारा कुछ दिनों के लिए आपका कंसोलिडेशन जोन में अटक जाएंगे मींस फंस जाएंगे। सो अगेन इन सच ए केस वी नीड टू वेट फॉर मींस ब्रेकआउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन। दीज आर द टू प्रोबेबिलिटीज। नेक्स्ट इज कमिंग आवर वीकली जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 1.2731 प्रीवियस वीक से 0.96% नेगेटिव क्लोज के साथ दिया हुआ है विद एन इंट्राडे हाई और इंट्रा वीक हाई ऑफ 1.2862 एंड अ लो ऑफ 1.2720। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
वीकली पर्सपेक्टिव में हम जो देख रहे हैं यहाँ पे आपका RSI जो है 60 के नजदीक रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। दैट मीन्स इसको अगर ऊपर जाना है तो RSI को 60 के ऊपर क्लियर करके ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। ये हो गया वीकली पर्सपेक्टिव में। एंड डेली पर्सपेक्टिव में हम क्या देखेंगे, बैक टू बैक पांच, पांच में से एक वेंसडे का एक मींस साइडवेज कैंडल था, न्यूट्रल कैंडल था, अदर देन द फोर ट्रेडिंग डेज में अच्छा खासा नेगेटिविटी देखा गया। सो वीकली पर्सपेक्टिव में क्या है, वीकली अगर इसको ऊपर जाना है तो RSI को अबव 60 ऊपर की तरफ जाना चाहिए। डेली पर्सपेक्टिव में क्या है, इट इज अप्रोचिंग द सेंटर बैंड फ्रॉम अबव, ऊपर से सेंटर बैंड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। दैट बीइंग द केस यहां पे एक सपोर्ट लेना चाहिए। दैट मींस यहां पे अगर सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ मींस फिर दोबारा अपवर्ड जर्नी करते हैं तो एक बहुत बढ़िया सा एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ये हो गया आपका GBP डॉलर का। GBP INR में भी सिमिलरली वीकली में एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल दिया है, रेजिस्टेंस इट टुक रेजिस्टेंस एट RSI 60 एंड उसके बाद नीचे आ रहा है। इसको अगर ऊपर की तरफ जाना है तो RSI 60 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, और अगर इसको ऊपर जाना है तो डेली पर्सपेक्टिव में सेंटर बैंड को डैमेज नहीं करना चाहिए, रदर इसके आसपास कहीं पे पुल बैक के बाद एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास करना चाहिए। अभी आते हैं यूरो डॉलर। यूरो डॉलर जो वीकली क्लोज दिया है यहाँ पर भी एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया है विद एन वीकली नेगेटिव क्लोज ऑफ 0.43% vis-a-vis the previous week. So RSI perspective में ये already 40-60, so ज्यादा momentum नहीं है, choppy volatile means a trended move नहीं होगा, choppy volatile range bound move के साथ। अगर हम इसको daily में देखेंगे तो वही center band में damage नहीं करना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है तो। क्या ये Monday onwards पॉजिटिव कैंडल के साथ, एक कैंडल या दो तीन बुलिश कैंडल के साथ ये जो आपका 8 मार्च का हाई है उसके ऊपर क्लोज देता है, इन केस तभी जाके ऊपर की तरफ टुवर्ड्स 1.11 जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकता है, लेकिन अभी भी प्राइस एक्शन वैसा कंफर्म नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द प्रोबेबिलिटीज। अगर हम आएंगे यूरो आयनर वीकली यहाँ पर भी एक नेगेटिव क्लोज के साथ कैंडल क्लोज दिया हुआ है विद 0.3% डाउन क्लोज एंड RSI इज विद इन 40-60, सो साइडवेज मूव ऑन वीकली पर्सपेक्टिव। एंड डेली में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा टाइम के साथ लिए ये अबव RSI अबव 60 में सस्टेन किया था, फिर थर्सडे एंड फ्राइडे का मूव में पूरा का पूरा डैम्पन कर दिया। दैट बीइंग द केस यहाँ पे जो आपका प्राइस है ये सेंटर बैंड के नीचे नहीं क्लोज देना चाहिए इफ इसको ऊपर जाना है तो। तो सिमिलर लाइन एंड लेंथ एंड डॉलर येन वीकली अच्छा खासा गेन के साथ ये आपका वीकली जो गेन है वो है आपका 1.32% vis-a-vis the previous week, अच्छा खासा स्ट्रेंथ के साथ क्लोज दिया हुआ है। नेक्स्ट वीक इम्पॉर्टेंट वियोजन डिसीजन से, उसके बाद क्या वो अपना पॉलिसी शिफ्ट करते हैं या कंटिन्यू करते हैं। अगर पॉलिसी शिफ्ट करते हैं इन सच ए केस हमें एक अच्छा खासा ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू करते हैं तो दोबारा डॉलर आपका मीन्स स्ट्रेंथ होना चाहिए अगेंस्ट डॉलर। क्या होते हैं यहाँ पे हमें देखना है इंपॉर्टेंट थिंग, अगर डेली में देखेंगे मंडे ऑनवर्ड्स इसको ये सेंटर बैंड के ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए। अगर इसको नीचे आना है तो हम देखेंगे क्या मंडे ऑनवर्ड्स प्राइस एक्शंस कैसे बिहेव करते हैं। यहाँ पे देखने वाला चीज डॉलर इंडेक्स सेंटर बैंड के ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए, डॉलर ये सेंटर बैंड के ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए अगर एक डाउनवर्ड मूव होना है। GBP डॉलर को सेंटर बैंड के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है तो। GBP INR को सेंटर बैंड के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है तो। यूरो डॉलर को सिमिलरली सेंटर बैंड के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है तो। एंड यूरो INR को भी सेंटर बैंड के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है। व्हाट आई वांट टू मीन बाय दैट, सिमिलरली डॉलर येन में भी वही आपका एक्टिविटीज है, सेम थिंग। सो यहाँ पर भी ये सेंटर बैंड के ऊपर डेली पर्सपेक्टिव में क्लोज नहीं देना चाहिए अगर इसको नीचे आना है तो। व्हाट आई वांट टू मीन बाय दैट, व्हाट मींस एक मींस अगर मूव होगा तो सब एक ही साथ
डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा तो डॉलर येन भी नीचे आना चाहिए, इन सब जगह जीबीपी डॉलर यूरो डॉलर भी ऊपर जाना चाहिए, एक सिमिलर फैशन में प्राइस मूव कर रहे। अगर यूरो येन आईएनआर को वीकली कैंडल का प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ पे एक वीकली नेगेटिव कैंडल 1.18% नेगेटिविटी के साथ क्लोज दिया हुआ है। अभी व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट का लिए हमें वीकली पर्सपेक्टिव में प्राइस जो आप देख रहे हो ये आपका दिसंबर मिड से जो एक डाउन मूव था उसके बाद यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करके थोड़ा सा पुल बैक किया। पुल बैक के बाद अगर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनते हैं दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट एज फार एज द ईएन आईएनआर मूव इज कंसर्न्ड। एक्चुअली पर्सनली आई एम वेटिंग फॉर अ ह्यूज मूव इन ईएन आईएनआर स्पेशली ऑन द हायर साइड, ले उसके लिए काफी टाइम से इंतजार है, छोटा छोटा मूव दे रहे लेकिन बढ़िया सा ये जो आपका कितना 0.59 से 0.55 4 रुपया यानी 2 रुपया 4 रुपया वाला जो मूव है ह्यूज मूव मींस उसके लिए काफी टाइम से मैं इंतजार कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा, बट आई विल कीप ऑन वेटिंग। यहाँ पे और एक चीज जो देखने वाला चीज है वो है आपका वीकली आरएसआई, क्या ये रेंज शिफ्ट करेगा। वीकली आरएसआई रेंज शिफ्ट का मतलब क्या ये है, पहले आरएसआई ऊपर गया फिर 40-60 में था फिर 40 के नीचे गया फिर ऊपर जाके क्या ये 40 के नजदीक सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, समथिंग लाइक दिस। इन सच केस जो मैं देखना चाहता हूँ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ वो आ नहीं रहा है, उसके लिए मेरे को इंतजार करना है। डेली पर्सपेक्टिव में सिमिलरली डॉलर येन आईएनआर जो है सेंटर बैंड को क्लोज करके नीचे की तरफ क्लोज नहीं देना चाहिए अगर ये इमीडिएटली ऊपर जाना है तो। डॉलर कैंडी वीकली पर्सपेक्टिव में एक रेंज में फंसा हुआ है ऑन द हायर साइड 1.36, ऑन द लोअर साइड 1.3350। RSI भी देखोगे तो 40-60 के बीच में ये ज्यादा बढ़िया सा वन साइडेड मूव का हम वीकली पर्सपेक्टिव में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ऑसी डॉलर वीकली क्लोज एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है, वीकली जो है क्लोज दिया हुआ है -1.01% नेगेटिव के साथ। सो ये यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये बेस आउट के बाद कंसोलिडेशन यहाँ पे हमें इंतजार है कि W पैटर्न का। CNH ये 7.17 और 7.23 के बीच में साइडवेज मूव कर रहे हैं, हमें बेसिकली चाइनीज इकोनॉमी में एक बढ़िया सा ग्रोथ चाहिए अगर ये CNH स्ट्रेंथन करना है तो। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड, वीकली बहुत ही बढ़िया सा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज दिया है, वीकली 4.01% पॉजिटिविटी के साथ क्लोज दिया है एंड ब्रेकिंग अबव द रेजिस्टेंस लेवल। ये हो गया एक रेजिस्टेंस तोड़ा है बट RSI एट 54.75 ये इसको एक ट्रेंडेड जूम 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 अपवर्ड मूवमेंट करना है तो RSI 60 के ऊपर बैंड वर्क कैंडिडेट होना चाहिए, RSI भी अब 60 होना चाहिए एंड वीकली कैंडल भी अपर बैंड के ऊपर क्लोज देना चाहिए, जिसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आते हैं तो हम उसके ऊपर बढ़िया सा बल्ले बल्ले वाला ट्रेड हो सकते हैं। अभी आते हैं US 10-year treasury वीकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है विद positive close of 5.66%. यहाँ पे RSI within 40-60, so 60 is going to be an immediate resistance level and price-wise immediately जो एक resistance है 4.36, इसको क्या respect करते हैं? यहाँ पे देखने के लिए RSI अभी जो हम 60 resistance का expect कर रहे थे वो भी तोड़ के ऊपर चला गया है 60.92. क्या मंडे onwards यहाँ पे थोड़ा सा बैंड करके नीचे की तरफ आएगा या कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता रहेगा, उसके लिए हमें इंतजार है। बेसिकली यहाँ पे हमें एक मींस वीकली क्लोज तो दिया है इमीडिएटली 4.3650 का एक रेजिस्टेंस है, उसको कैसे क्लियर करते हैं या वहां पे रिस्पेक्ट करके दोबारा नीचे की तरफ आते हैं उसके लिए हमें इंतजार रहेगा। अभी आता है US 2-year treasury वीकली जो बहुत ही एक पॉजिटिव बुलिशनेस के साथ 5.63% पॉजिटिविटी के साथ vis-a-vis the previous week का कैंडल वो क्लोज दिया हुआ है, RSI now at 53.78, so 60 is expected to act as a इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अगर डेली में देखेंगे तो एक रेजिस्ट इमीडिएटली जो स्विंग है 4.76-4.78 उसमें एक क्या रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले एक दो दिन पहले क्या ये RSI 60 को रेजिस्टेंस लेगा,
लेकिन 60 को रेजिस्टेंस लिया नहीं है, 62.53 में गया है। अभी देखना ये इमीडिएटली ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, डॉलर स्ट्रेंथ पूरा का पूरा हफ्ता गया है, यूएस 10-ईयर ट्रेजर एज वेल एज 2-ईयर ट्रेजर भी काफी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर मूव किया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे जो रेट कट का, जो कितना रेट कट करेगा, 4 रेट कट करेगा, 6 रेट कट करेगा, वो जो मीन्स एक्सपेक्टेशंस था मार्केट में, मार्केट में वो थोड़ा सा धीरे धीरे अभी 6 से 4, 4 से 3 वो प्रोबेबिलिटीज में धीरे धीरे डाउन डाउन साइज कर रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपने एक्सपेक्टेशंस है। इसी के कारण इस हफ्ते में अभी एक अच्छा खासा डाउन मूव अप मूव देखा गया एज फार एज द यूएस ट्रेजरी इज कंसर्न्ड। हमें क्या देखना है, आप याद करो मंडे ट्यूजडे में क्या हुआ था, आपका फेड some important personalities fed, I forget his name, ऐसा कुछ comment दिया था जिसके कारण डॉलर ये data driven आया ऊपर। What next? I am expecting Monday onwards some comments, data comments means the Fed officials का कुछ comments जो फिर डॉलर इंडेक्स को नीचे की तरफ आने लेके आने का तैयारी करेगा। Means इसको धीरे धीरे कैलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ डाटा अगर नेगेटिव आते हैं तो फिर फेड ऑफिशियल्स कुछ पॉजिटिव कमेंट कर देते हैं ताकि डॉलर इंडेक्स पे दोबारा एक रेंज के अंदर में, मींस ये लोग डायरेक्ट क्रैश लैंडिंग करवाना नहीं चाहते, वेदर इट इज द ट्रेजरीज और द डॉलर इंडेक्स, दे आर ग्रेजुअली बिल्डिंग द मूड धीरे धीरे करके ताकि किसी को ज्यादा चोट ना आए, दैट इज द ट्रेंड। सो मंडे ऑनवर्ड्स क्या कोई फेड गवर्नर डॉलर नेगेटिव स्टेटमेंट्स के साथ आते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। अभी आते हैं डॉलर रुपी, डॉलर रुपी जो वीकली क्लोज दिया हुआ है 83.86, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव वीकली क्लोज दिया है 0.18%, ऑल्दो इंट्रा वीक में 82.96 तक ट्रेड किया था बट उस लेवल पे सस्टेन कर नहीं पाया एंड सेलर्स डोमिनेटेड द मूव। अभी क्या, अभी के लिए हमारा जो जोन है डॉलर रुपी का, क्या जोन है, ऑन द लोअर साइड 80-40, 80-60 एंड ऑन द हायर साइड 80-95, 83-10, ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। सो ये नया जोन है एज फार एज द व्हाट एवर मीन्स आई एम परसीविंग द मार्केट, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, आई हैव द राइट टू बी राइट, ऑल्सो आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है, मीन्स कोई आके कुछ बोल नहीं रहा है कि ये होगा वो होगा या कोई दर्शन आ गया, नो, मीन्स एक परसेप्शन है, वो परसेप्शन में कभी हम करेक्ट होंगे कभी हम गलत भी होंगे। सो यहाँ पे अभी हमारा जो रेंज है ये दो रेंज के बीच में डॉलर रुपी कैलिब्रेट होना चाहिए जब तक कुछ नया इंग्रेडिएंट मार्केट इंग्रेडिएंट्स कोई नया मसाला यहाँ पे एड ऑन हो। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस वीकेंड। इस वीकेंड में खुद को रेस्ट एंड रिकवरेट करके एनर्जाइज कीजिए ताकि मंडे ऑनवर्ड्स दोबारा मार्केट को फेस करने के लिए नया एनर्जी के साथ, मार्केट को देखने के लिए, मार्केट को एनालाइज करने के लिए, मार्केट को ट्रेड करने के लिए नया वीगर के साथ आप मार्केट में फिर दोबारा आइए। थैंक यू एंड